दो साल पहले यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की अपनी पहली यात्रा में दो दिवसीय हाई प्रोफाइल यात्रा पर मॉस्को पहुंचने के कुछ घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक निजी रात्रि भोज का आयोजन किया। शीर्ष सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा का ध्यान आर्थिक एजेंडे पर है, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और उर्वरक के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों नेता मंगलवार को 22वें भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापक वार्ता करेंगे। जिसमें मुख्य रूप से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से उत्पन्न व्यापक राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में देखा जा रहा है। मॉस्को में उतरने के तुरंत बाद मोदी ने कहा कि वह भविष्य के क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक है और भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों से हमारे लोगों को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने अपना प्रस्थान वक्तव्य में कहा, भारत एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए सहायक भूमिका निभाना चाहता है। पुतिन ने नोवगोरोड स्थित आवास पर एक निजी बैठक और रात्रि भोज के लिए मोदी को मेजबानी की, जो स्पष्ट रूप से भारत नेता की यात्रा को मॉस्को द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाता है।